अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medford Multispeciality Hospital. मैं हूं सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज FK, बने रहिए हमारे साथ। डाइगर पुलिस की कामगिरी किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का नाम है हिंदुस्तान में, मैं तो यूं कहूं पूरे वर्ल्ड में हमारी महाराष्ट्र पुलिस का नाम है, जिसका जीता जागता उदाहरण दिया है थाने सिटी के अंदर डाइगर पुलिस स्टेशन के हद में। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो आरोपी हमला कर हो गए थे फरार। 2 तारीख की रात में 9 के बाद में ये लोगों ने हमला किया था जीवन वालिलकर के ऊपर दहसर गाँव दत्त मंदिर के बाजू में। जिस वक्त इन्होंने हमला किया था उस वक्त भी 9 बजे थे। जिस वक्त इनको पुलिस ने पकड़ा डाइगर पुलिस स्टेशन लेके आए उस वक्त भी 9 बज रहे थे। ये 9 बजे का आंकड़ा किस तरह से ये हिस्ट्री सीटर डाइगर गांव के नामचीन गुंडे आज पुलिस के हिरासत में। 9 बजकर हमला करके फरार हुए थे, 9 बजे ही डाइगर पुलिस स्टेशन में उनको लाया गया। थाने पुलिस को सलाम, पुलिस ने हमेशा चैलेंज कबूल किया है। डाइगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन डिपार्टमेंट के कामगिरी, डाइगर पुलिस स्टेशन की कामगिरी, किस तरह से इन आरोपियों को पकड़ा है वो तो वही बताएंगे। डाइगर पुलिस स्टेशन ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनका नाम सचिन पाटिल, दूसरे का नाम गुरुनाथ भोईर। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड ने सदन में सचिन वालिलकर के लिए सदन में आवाज उठाई थी। कल रात्रो जीवन पाटिल नावाच्या एका इसमावरती सुनील पाटील नावाच्या गुंड्याने घरात घुसून वार केला, 14 टाके पडले, कुठलाही गुन्हा नोंद झालेला नाही। महोदय, ठाण्यातली कायदा आणि सुव्यवस्थाची पार 12 वाजले, नको त्यांना बंदुकीचे लायसन्स दिले जात आहेत। अध्यक्ष महोदय, आने वाले समय में अपराध करने वाला 10 बार सोचेगा, कुलाड़ी से मार के भागने वाला 10 बार सोचेगा। आज पुलिस ने कर दिखाया है कि हमसे बच नहीं पाओगे। लगभग 9:15 बजे का टाइम था, मैं डेली का काम खत्म करके ऑफिस से घर पे गया था। घर पे जाने के बाद में गुरुनाथ भोईर करके डाइगर गांव का एक गुंडा है, वो घर पे आया था मेरे, और मेरे को रिक्वेस्ट किया कि बोला वो सचिन भाई आए हैं मंदिर के पास में खड़े हैं, तुमसे मिलना है, अर्जेंट काम है। तो मेरे को लगा कि कुछ अर्जेंट काम रहेगा इसके हिसाब से आए होंगे, तो मैं मंदिर के पास में गया गुरुनाथ के साथ में, और उसके बाद में सचिन भाई मेरे को बोला कि गाड़ी में बैठ जा, तुमको मैंने 8 दिन पहले फ़ोन किया था और तुमसे 1 करोड़ रुपये मांगा था, तो तुमने उसका कुछ जवाब दिया नहीं, बोला तुम रियल इस्टेट में बहुत पैसा कमाया, बोला तो मैं यहाँ का भाई हूँ, डॉन हूँ यहाँ का, तो मेरे को पैसा देते रहने का। तो मैंने वो गाड़ी में बैठने से मना किया, साथ में मेरी माँ भी थी, तो उन्होंने छोटी कुरट से मेरे सर के ऊपर हमला किया और गुरु ने मेरे को पकड़ा था। माँ को भी धक्का बुक्की की, और उसके बाद में जब गांव वाले जमा हो गए तो वहाँ से वो लोग फरार हो गए। ये 9:30 बजे की घटना है, मेरा गांव में दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर के पास में ये घटना हुई है। इन्होंने पहले भी मेरे से 3,87,000 रुपये लेके गए हैं जबरन वसूली करके, और ये जो है सचिन पाटिल एक नामचीन गुंडा है, और इसके खिलाफ़
डाइगर पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।